देखिए, मूविंग एवरेज इंडिकेटर अक्सर फेल हो जाते हैं, और फेल होने का एक ही कारण है कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर के साथ हम कोई दूसरे इंडिकेटर्स नहीं लगाते हैं। और ज़्यादातर मार्केट में इंडिकेटर्स, जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, वो फेल होते हैं, 100% वर्क नहीं करते हैं। और 100% वर्क करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें उस इंडिकेटर के साथ देखनी होती है, क्योंकि मार्केट इंडिकेटर के बिहाफ पे नहीं चलती है। इंडिकेटर हमेशा लैगिंग होते हैं, और मार्केट को की डायरेक्शन बनाने के बाद वो इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो गई है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मूविंग एवरेज को हम किस तरह से यूज़ करें कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर आपके लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जनरेट कर पाए। तो हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का ये चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है, इसको हम लगाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है, और इस चार्ट पे हम अगर हमें मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है, तो एक हम मूविंग एवरेज यहाँ पे जाएंगे, टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। देखिए, मार्केट में मूविंग एवरेज का इस्तेमाल आपको करना है तो आपको छोटे पीरियड के मूविंग एवरेज और बड़े पीरियड के मूविंग एवरेज आपको लगा के रखने हैं, ताकि आपको मार्केट की बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड आपको पता चल जाए, और छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको ट्रेंड पता चल जाए। यहाँ पे हमने लगाया है मार्केट 9 पीरियड का मूविंग एवरेज। अब 9 पीरियड का मूविंग एवरेज अगर हम प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करें, अगर हमें प्राइस एक्शन पता हो, देखिए प्राइस एक्शन को किस तरह मूविंग एवरेज के साथ हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हम लोग मार्केट का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। देखिए, ये मार्केट का एक सपोर्ट है, अगर मूविंग एवरेज 9 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आ रही है और सपोर्ट को भी ब्रेक कर रही है, तो मार्केट में एक आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। देखिए, सेम यहाँ पे आ रहा है, मार्केट का एक ही सपोर्ट जोन है, मार्केट का सपोर्ट जोन, इस पे फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और थोड़ी सी बोल्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, ताकि आपको लाइन ठीक से दिखती रहे। ये इसका कलर कर देंगे ब्लैक, और इसकी जो बोल्डनेस है थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे, और यहाँ पे एक हम लोग मार्केट का ये सपोर्ट जोन है, मार्केट को इस सपोर्ट जोन के नीचे, मार्केट अगर 9 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है 15 मिनट के चार्ट पे, तो आपको अच्छे बियरिश ट्रेड यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा लोग जो सिर्फ मूविंग एवरेज ट्रेड करते हैं, मार्केट में नए होते हैं, और आपको बड़े लॉसेस से बचना है, तो मूविंग एवरेज के साथ आपको प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का हमेशा ख्याल करके चलना है। देखिए, अगर हम मूविंग एवरेज को बड़े टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करें, अगर मूविंग एवरेज को हम डेली चार्ट पे इस्तेमाल करें, और मूविंग एवरेज भले छोटा हो, 9 पीरियड का मूविंग एवरेज हो, आपको एक अच्छे ट्रेड देगा। लेकिन अगर आप मूविंग एवरेज के साथ प्राइस एक्शन को का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपको बड़े प्रॉफिट्स होने वाले हैं। यहाँ पे इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये देखिए, लगभग डेली चार्ट पे भी इसी लेवल पे एक सपोर्ट जोन था, जो कि हमने अभी 15 मिनट के चार्ट पे ड्रॉ किया था। डेली चार्ट पे भी एक सपोर्ट जोन था, इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके निफ्टी ने जो लेवल क्रॉस किया था 18,443। सोचिए, अगर पे यहाँ पे आपने पुट को शॉर्ट किया होता, पुट को सेल किया होता, तो आपको क्या प्रॉफिट मिल सकता था। तो दोस्तों, मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है, मूविंग एवरेज का इस्तेमाल प्राइस एक्शन के साथ करना है। हर ट्रेड में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझना है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही आपको ट्रेड्स लेने हैं। मूविंग एवरेज आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। तो अगर आई होप कि आप जब भी मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट टाइम से, तो मूविंग एवरेज के साथ प्राइस एक्शन और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थ्योरी का जरूर से आप उसका पालन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।